बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इलेक्शन कैंपेन के बारे में जो है ना आपको बताएंगे कि हमारे पास इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं याया यूनस साहब, जो है यूनाइटेड ग्रुप से जो है ये कैंडिडेट हैं और इनका मंशूर हम जानेंगे और ये आप लोगों को क्या फैसिलिटेट दे सकते, क्यों आप लोग इनको वोट देंगे। मेरा नाम याहिया यूनस है और मैं सीईओ हूं द टीम स्टेट। मैं 2015 से इस रियल इस्टेट के काम से वाबस्ता हूं। अपना करियर स्टार्ट किया निजाम बैंक से और 2009 में मैंने ज्वाइन किया बैंक इस्लामी एज एवीपी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब रिज़ाइन किया 2015 तो एज ए ब्रांच मैनेजर मैंने रिज़ाइन किया। ये देखें, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी फील्ड के अंदर कितने पढ़े लिखे लोग हैं, जो ऐसे पढ़े लिखे लोग जब हमारे रियल स्टेट में आएंगे और हमारे लीडर्स होंगे एज आ हमारे लिए काम करेंगे तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत अच्छा हमारे लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि वो नई इनोवेशन के साथ हमारे पास आएंगे, हमें नए तरीके सिखाएंगे इस रियल स्टेट में। तो और इनसे जानते हैं कि सर आपने ये ग्रुप जो ज्वाइन कर किया, इसकी क्या वजह है, आप दूसरे ग्रुप क्यों नहीं आपने ज्वाइन किया, आपने शाहिद साहब ने क्या ऐसा देखा कि आपने इस ग्रुप को ज्वाइन किया। अरे सर, बात ऐसे है, इसमें दो बातें अभी हो गई, एक तो ये कि इलेक्शन कैंपेन है और दूसरा मैंने रियल इस्टेट क्यों ज्वाइन किया। हमने शहरों को कम होते नहीं देखा बल्कि एक्सपेंड होते देखा है। तो ये जितने शहर एक्सपेंड होते हैं ये थ्रू रेंटर्स लाइक यानी डीलर्स के जरिए ये सारी प्लॉट्स की सेल परचेज होती है, घर बनते हैं बिकते हैं, ये क्यामत वाले दिन तक चलने वाला बिजनेस है। हमारे पिछले 3 साल के टर्नओवर में जितने भी पॉजिटिव काम हुए इस रियल इस्टेट इंडस्ट्री के लिए, मैं यूनाइटेड ग्रुप में हूँ, आप मेरे अलावा पूरी मार्केट से पूछिए कि उसका सेहरा किसके साथ जाता है। ये शाहिद महमूद साहब जो हमारे उसको जनरल सेक्रेटरी थे, वो FBR के साथ जो मामला को बिल्कुल DC रेट के डिसीजन जो इसकी प्राइसेस कम की, टैक्सेस 5% से 1% को लाने में, बिल्कुल हमारे जो शाहिद महमूद साहब जो इस वक्त हमारे प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं, ये इनका मैं थोड़ा बता देता हूँ, ये माशाल्लाह लॉ ग्रेजुएट है जी, बिल्कुल ये टैक्सेशन को आम आदमी या आम रियल्टर से बहुत अच्छी तरह समझते हैं और इन्होंने हमेशा या वो DHA हो या वो FBR हो या वो वफाकी गवर्नमेंट हो, सूबाई गवर्नमेंट हो, उनको डील करने में सबसे आगे आगे शहर महमूद साहब थे। और इस चीज़ की पूरी मार्केट मैं आपको बताता हूँ, मैं इलेक्शन कंपेन पर हूँ, हम जिस ऑफिस में जिस दोस्त के पास मिलने गए सबके यही अल्फाज थे कि शाहिद साहब हम आज इस जिस दौर में हम बैठे हैं, रियल इस्टेट बहुत ग्रो कर रही है, ये सारा सेहरा आपके सर जाता है। मैं बड़े बिल्कुल 100% की बात कहूँगा कि इनके अंदर कोई मुनाफ़त मैंने नहीं देखी। और आप दे मार्केट में अंदर जो कुछ चल रहा है, ये 3 ग्रुप इस वक्त जो है वो कैंडिडेट्स हैं जो प्रेसिडेंट के और जनरल सेक्रेटरी, ये 3 ग्रुप इसमें हिस्सा ले रहे हैं। DHA यूनाइटेड ग्रुप की तरफ से अभी तक और ना आइंदा आप किसी की पगड़ी उछलता नहीं देखेंगे। बाकी जो 2 ग्रुप हैं इनके एक दूसरे के बारे में जो बातें कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये किसी मौजूद आदमी को जेब नहीं देता कि किसी बड़ा हो या छोटा हो उसकी अपनी सियासत के लिए पगड़ी उछाली जाए। मैं किसी उसका हवाला नहीं दूंगा, फेसबुक भरा पड़ा है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि वो किस तरीके से एक दूसरे को बेइज्जत कर रहे हैं, ठीक है, हमारी बातें कर रहे हैं, राइट। अच्छा याया साहब, ये बताइएगा कि आप इसमें डीलर बरादरी बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन है इस वक्त, रियल से बहुत से ज़्यादा लोगों के पास बहुत पैसे हैं, बहुत से बहुत डाउन हैं, आप उन डाउन वाले लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए आपके पास कोई प्लान्स हैं? जी बिल्कुल प्लान्स हैं और बहुत सारे प्लान्स जो मैं समझता हूँ वो सरप्राइज भी हैं, अब वो रहने भी चाहिए। लेकिन जो जो चीज़ जो हम ओपन डिस्कस कर सकते हैं वो हम आपको बिल्कुल बताते हैं। देखिए, एक आप ये देखिए कि हमारे जितने भी ग्रुप जिन्होंने इलेक्शन लड़े हैं आज तक, उन सब का एक ही नारा था कि हम बिजनेस को बढ़ाएंगे। ठीक है, बिजनेस बढ़ा दी, मैं इसमें वो नहीं कह रहा हूँ कि नहीं बढ़ा, बिजनेस बढ़ा दी, लेकिन जो हम लोग प्लान लेकर आ रहे हैं, सबसे पहले देखें 2 किस्म के डीलर्स हैं इस वक्त हमारी इंडस्ट्री में। एक वो है जो स्टेट डॉलर्स हैं, माशाल्लाह सबके अपने ऑफिस हैं, अपनी अच्छी गाड़ियाँ हैं, अपने अच्छे घर हैं। एक हमारा रेंटर वो है जो किसी के ऑफिस में काम कर रहा है, उसकी प्रॉब्लम्स को हमारे बड़े ना समझते हैं ना समझना चाहते हैं। हमारे इस मंशूर के अंदर ये आपके सामने ये मंशूर हमारा, ये DHA यूनाइटेड ये वाहिद ग्रुप है जिन्होंने सबसे पहले अपना मंशूर दिया, सबसे पहले कि हमारे रेंटर कमीशन को महफूज करना, ये हमारी एसोसिएशन, ये बहुत यहाँ पे बहुत मसले मसाइल सबसे बड़ा ये और होता है। इसके ऊपर जो प्लान है, जिस तरह के कोई भी बायर या सेलर अपने टैक्सेस पे करता है, हम लोग इस चीज़ को इंश्योर करवाएंगे कि वो बायर और सेलर के डीलर की कमीशन का पे ऑर्डर भी साल जमा करवाएगा। गुड, सबसे पहली चीज ये, बहुत अच्छा। दूसरी देखिये, हम लोग सारे घर से, ये काफी मुश्किल काम है,
ये मैं आपको इंशाल्लाह ताला, देखिए अगर हम अपनी पूरी जान लड़ा देंगे इस इम्यूनिटी की बेहतरी के लिए। अब मैं आपसे लास्ट एक चीज पूछना चाहता हूँ, कोई आपको वोट दे क्यों दे? आपके पास कोई एक ऐसा चीज है, कोई एक ऐसी बात जो आप एक सेंटेंस में कह सकते हैं कि हमें आप वोट दें, मैं आपका ये काम कर सकता हूँ? जी, मैं बिल्कुल आपको इस बात का और अपनी कम्युनिटी इस चीज़ का जवाब देता हूँ। हमारा एक सबसे बड़ा अलमिया या एक सबसे बड़ा मुतालबा हमारे रियल एस्टेट कम्युनिटी का ये है कि हमें DHA में रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। हमारे इस मंशूर में भी चीज़ मेंशन है और ये चीज़ इंशाल्लाह आप आगे भी देखेंगे। मैंने पहले बात की, हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है या मुतालबा हमारी कम्युनिटी का ये है कि DHA में हमें रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। ये एक सवाल है जो हर कोई करता है, इसका जवाब कम लोग देते हैं। उसकी मैं आपको इसका जवाब बताता हूँ, वो इज्जत क्यों नहीं की जाती। DHA का इंक्वायरी जहाँ पर हम अपनी फाइल सबमिट करते हैं, जब आप उसके सामने एक पूरे फाइल लाकर ट्रांसफर के लिए रखते हैं तो उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स मिस होंगे तो वो क्या कहेगा कि ये डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड करें? जी, कोई भी डॉक्यूमेंट मिस नहीं होता ट्रांसफर पर। सबसे पहले हमने, अब हमारे मंशूर का ये हिस्सा है, पहले पॉइंट का मैं जवाब देता हूँ। हम लोग इस चीज़ को एक एज ए सेमिनार, जो हमारे यंगस्टर्स हैं या जो न्यू कमर्स हैं जो रियल्टर बन रहे हैं, मुझे काम करते इतना अच्छा हो गया, मुझे एक फाइल देखकर पता चल जाता है इसमें क्या चीज़ मिसिंग है, लेकिन जो नया बंदा है उसके लिए मुश्किल है और उसी को ही वहाँ पर प्रॉब्लम्स भी आती हैं। हम लोग इसके सेमिनार्स करवाएंगे, हर महीने सेमिनार होगा जिसमें ये हमारी कॉस्ट के ऊपर, जिसके अंदर हम इन सबको इन्वाइट करेंगे किसी अच्छे वैल्यू में और इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। दूसरी बात, इसी का दूसरा हिस्सा कि हमारी इज्जत नहीं की जाती। देखिए, हमारे जितने अभी तक के पिछले आपने ग्रुप्स देखें, जो आप एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि DHA आपकी इज्जत करते हैं? हमारा वेलफेयर का एक इशू रहा है। सेकेंडली, जो हमारा मेडिकल का इशू है, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो उनकी बीमारी महंगी है या उसका इलाज मुमकिन नहीं है या उनको सहूलतें मैसर नहीं है। जी बिल्कुल, उसमें इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर हम कर रहे हैं सेहत कार्ड की वजह से, गवर्नमेंट ने कहा। गवर्नमेंट ने हमारे इस पूरे पैनल के अंदर जो 9 बंदों का पैनल है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मास्टर्स हूँ, हमारे साथ प्रेसिडेंट हैं, वो लॉ ग्रेजुएट हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी बंदा जिसकी एजुकेशन ग्रेजुएशन से कम है हमारे साथ बंदा नहीं है, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच याया सर, कीप वॉचिंग, और अगर आपकी कोई सजेशन है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।